माननीय प्रधानमंत्री जी, जय जवाहर। जय जवाहर शरद पारकर। जय जवाहर शरद पारकर, महामंत्री मंडल राजिम, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे मेरा एक सवाल है। अनेक राज्यों में अभी चुनाव सामने आ रहे हैं, जिसमें हमारा एजेंडा क्या होना चाहिए? चलिए, आपने सवाल पूछा है, हमारे तीन एजेंडा होने चाहिए। याद रखेंगे जी, जरा सब लोग बताएं ना, बैठे हैं इतने सारे लोग, बताइए। याद रखेंगे जी। देखिए, पहला एजेंडा है विकास, दूसरा एजेंडा है तेज गति से विकास, तीसरा एजेंडा है सबके लिए विकास। बस यही हमारा एजेंडा है। देखिए, भाजपा अकेली पार्टी है जो विकास के मुद्दे पर देश के चुनाव को लेकर के गई है, और हम देश की सभी राजनीतिक दलों को मजबूर करेंगे कि विकास की बात कीजिए, जनता जनार्दन की अपेक्षाओं की बात कीजिए, और उसमें कौन क्या काम करता है, पहले आप कैसे करते थे, हम कैसे कर रहे हैं, तुलना कीजिए। दोस्तों, हम कई गुना अच्छा कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, तेज गति से कर रहे हैं, और सामान्य मानवी को इसका फायदा नजर आ रहा है। भाजपा के कारण ही आज विकास एक महत्वपूर्ण चुनावी मुद्दा हो गया है। हम सबने भी पुरानी सारी बातें याद रखनी चाहिए, पहले की सरकारों में क्या था, अब क्या हुआ है। पहले रोड दे एक दिन में कितने बनते थे, अब कितने बनते हैं। पहले गांवों को बिजली कैसे पहुंचती थी, अब कैसे पहुंचती। ये जब तक हम पुराना लोगों को याद नहीं कराएंगे तो नया ध्यान में नहीं आएगा, क्योंकि लोग पुराना भूल जाते हैं। मुझे बराबर याद है, जब मैं गुजरात में मुख्यमंत्री बन के गया था, नया था, तो जो भी मुझे मिलता था वो कहता था, मोदी जी एक काम कीजिए, सिर्फ शाम को खाना खाते समय बिजली मिल जाए ना, बस इतना कर दीजिए। फिर हम काम पे लग गए, 3 साल के भीतर भीतर 2400 घंटे बिजली देना शुरू कर दिया। लेकिन अभी जो बच्चे 15, 18 साल, 20 साल के हुए हैं, उन बेचारों को मालूम ही नहीं है कि पहले खाना खाते समय बिजली नहीं होती थी, तो मुझे उनको बार बार याद कराना पड़ता है कि पहली ऐसी सरकारें थी कि शाम को खाना खाते समय भी बिजली नहीं मिलती थी। आपको भी पुरानी सरकारों ने जो दुर्दशा की है ये भी बार बार याद कराना पड़ेगा, और उसकी तुलना में आपने कितना अच्छा किया है वह भी समझाना पड़ेगा। मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर राजस्थान, तीनों राज्यों में हमारी सरकारों ने विकास की नई नई ऊंचाइयों को छुआ है। मध्य प्रदेश को ही लीजिए, आज से 1.5 दशक पहले तक राज्य के लोगों को बीमारू राज्य होने का ताना झेलना पड़ता था, और तब तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक था। लेकिन आपने देखा, अब छत्तीसगढ़ भी बीमारू के लिस्ट में नहीं रहा है, मध्य प्रदेश भी बीमारू के लिस्ट में नहीं रहा है। रमन सिंह ने इधर काम करके दिखाया, शिवराज जी ने उधर काम करके दिखाया, और एक ही बात, विकास विकास विकास, लगातार विकास, तेज गति से विकास, सबके लिए विकास, इसी मंत्र को लेकर के चलिए। और मुझे विश्वास है कि जनता इस बदलाव को देख रही है, हमें बस जनता के पास पहुंचना है।